ग्वालियर में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाले गए एक जुलूस में नारेबाजी और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जुलूस में हुई नारेबाजी और हथियार प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आया है। दलित नेता रूपेश केन ने इस पूरे मामले की शिकायत गोले के मंदिर थाना पुलिस को की है। शिकायत में कहा गया है कि अरुण राजावत द्वारा ग्वालियर के हजीरा चौराहे से गोले का मंदिर तक जुलूस निकालने की अनुमति ली गई थी। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा जाति सूचक टिप्पणी की गई और हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए खुलेआम तलवार लहराई गई। दलित नेता रूपेश केन की शिकायत पर पुलिस ने अरुण राजावत और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में कल महाराणा प्रताप की जयंती के संबंध में एक बाइक रैली निकाली गई थी और उसके संबंध में बाइक रैली में जो सवार थे सभी ने जो है जाति सूचक नारे लगाकर उसमें लोगों की सामाजिक व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उस पर से फरियादी रूपेश केन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 353A और 294/506 एट्रोसिटी एक्ट के अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी जो है इसमें अरुण राजावत, जिनने रैली की अनुमति ली गई थी, अरुण राजावत व उसके साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।